नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पेश श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव सिर पर है, ऐसे में योगी सरकार एक बार फिर से सियासत की कुर्सी पर विराजमान होने का दम भर रही है। 5 सालों में किए गए कामों की जानकारी दी जा रही है। पीएम से लेकर सीएम तक यूपी में हो रहे विकास के कसीदे पड़े जा रहे हैं, पर भाजपा के ही कुछ नेता सत्ता के नशे में इस कदर चूर हो चुके हैं जो आए दिन उनके विवादित बयान सुर्खियों में बने रहते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल का सेक्टर नहीं है, दिमाग समझ भी रखते हैं और कभी नशा में नहीं रखते। देखिए रेप की घटनाएं रेप का नेचर होता है, लेकिन ऐसे को इंसान बनाना प्रकृति के बस की बात नहीं है। हमारे समाज के लोग भी एकदम पूरी तरह तैयार है, किंतु झूठे मार के खदेड़ने का काम। 5 बजे के बाद अंधेरा होने के बाद कभी खाने मत जाना। कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। आज के वक्त में ये कहावत बीजेपी पर सटीक बैठ रही है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा सरकार को जितवाने की कोशिश कर रही है। बीते 5 साल में किए गए विकास कार्य और योजनाओं को जनता के बीच पहुंचकर गिनवाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा गुट भी है जो अपनी ही पार्टी की मिट्टी पलित करने में लगा हुआ है। पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज छत मुट्ठी भर लोग हैं जो फोर व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। हम बात कर रहे हैं कुछ भाजपा के मंत्री और नेताओं के जुबान उनकी बिगड़े लहजों के बारे में। सबसे पहले आते हैं खेल युवा कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री उपेंद्र तिवारी के बारे में बात करने के लिए। जितना बड़ा इनका पद है उतने ही बड़े इनके बोल भी बीते दिनों हम सब ने सुने। पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज छत मुट्ठी भर लोग हैं जो फोर व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। दरअसल बढ़ती महंगाई के बीच यूपी में खेल युवा कल्याण व पंचायती राज मंत्री उपेंद्र तिवारी ने एक बेतुका बयान दे दिया। जालौन में उन्होंने कहा कि देश की 95% जनता डीजल पेट्रोल का उपयोग नहीं करती है। कुछ ही लोग डीजल पेट्रोल का उपयोग करते हैं। देश में डीजल पेट्रोल के दाम में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। विपक्ष इसका प्रोपेगेंडा रचने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में लोगों की आमदनी बढ़ी है, उस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम तो बहुत कम है। आज कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष मुद्दा विहीन है। और आप 2014 से पहले का आंकड़ा ले लीजिएगा और आज का आंकड़ा ले लीजिएगा और प्रति व्यक्ति आज मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के पहले क्या थी और आज कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आज दुगुनी बढ़ी हुई है, दुगनी से भी ज्यादा आज बढ़ी हुई है 4.5 साल और 7 साल के। दरअसल खेल युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी जालौन के उरई में आजादी के 75 साल पर अमृत महोत्सव समारोह में संगोष्ठी को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। मंत्री ने कहा कि देश में मोदी और प्रदेश में योगी द्वारा विकास की गंगा बहाई जा रही है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि सरकार मुफ्त शिक्षा, मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त राशन दे रही है, किसी भी प्रकार की कोई चीज पेट्रोल डीजल से नहीं वसूली जा रही है। लोगों की योगी और मोदी सरकार में आमदनी बढ़ी है, उस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। इस हिसाब से पेट्रोल और डीजल और भी महंगा होना चाहिए। घर घर में दवाइयां बांटी जा रही है, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिंचाई और मुफ्त में कढ़ाई, ये सारा सरकार मुफ्त में सरकार ने लिया है। और इस हिसाब से अगर अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य पड़े। ये पहली बार नहीं था जब मंत्री जी अपने विवादित बयान में फंस चुके थे। इससे पहले भी 2019 में खेल युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी ने बलात्कार के बढ़ते मामलों पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि रेप का अपना अलग अलग नेचर होता है, जैसे किसी नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ तो हम रेप मानेंगे, लेकिन कभी 30-40 साल की विवाहिता महिला के साथ रेप की घटना
सुनाई देती है। ये अलग तरह का मामला होता है। इस मामले में प्रेम प्रसंग की घटनाएं भी शामिल होती हैं। देखिए, रेप की घटनाएं रेप का नेचर होता है। अब जैसे अगर कोई नाबालिग लड़की है उसके साथ रेप करे उसको समझौत मान, लेकिन कहीं कहीं पे ये भी सुनने को आता है कि कोई विवाहित महिला है उस उम्र 30 साल है 30 35 साल के बाद भी वो आता है कि इनके साथ रेप हुआ। इस तरीके की तमाम ऐसी घटनाएं होती है, जैसे तमाम चीजें देखने को मिलती है कि कोई बालिक है 7 साल 8 साल से प्रेम पंचा था, आज वो आता है कि 7 साल था मेरे साथ, तो आम सवाल होता है कि 7 साल पहले बात चुप जानी चाहिए। इस तरीके की तमाम विषय नीति उसके अलग अलग विचार है। जहाँ भी इस तरीके की घटना है स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेते हैं और एक्शन लेते हैं। हम लोग के संज्ञान में आता है और ये प्रशासन को भी निर्देश है कि जहाँ पे इस तरीके का मामला है कड़ाई पूर्वक निपटाएं। उपेंद्र तिवारी ने पहले तो तेल के दाम को लेकर दावा कर दिया, वहीं जब योगी का हंटर इन पर चला तो अब सफाई देने में भी लग गए। लेकिन अपने पुराने कीचड़ को साफ करने के चक्कर में एक नया छीछा लेदर कर बैठे। जब वो 95% लोगों को तेल की आवश्यकता ही नहीं है वाले बयान पर सफाई दे रहे थे, तभी खेल मंत्री का एक और गलत शॉट लग गया। इस बार नेताजी की जुबान इस खबर फिसल गई कि मानो गुबार बाहर निकल आया। मंत्री उपेंद्र तिवारी ने अपना गुस्सा मीडिया पर निकाल दिया। उन्होंने अपने बयान को सही बताते हुए सुनने वाली कमी बता दी और कहा कि ये मीडिया वाले नशे में रहते हैं, ये पत्रकार नशे में लिखते हैं, इनको पूरा बयान समझना चाहिए। और इसलिए जो भी इस तरीके के पत्रकार महोदय हों, और हमने देखा कि बहुत से लोगों ने सुर्खियों में लिखा, लिखिए उस पर कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग विभाग बोलते हैं, विभाग समझ भी रखते हैं और कभी नशा में नहीं रखते हैं। इसके साथ ही मंत्री उपेंद्र तिवारी ने यह भी कह दिया कि हर व्यक्ति को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए, हर व्यक्ति को अपना दायरा पता होना चाहिए। नशा में रह करके लिखने वाले लोग भी हैं और हर तबके से जुड़े हुए लोग भी हैं, पत्रकारिता क्षेत्र में भी है, राजनीतिक क्षेत्र में भी है और समाज के हर एक तबके में भी है। तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को अपने दायरे में रहना चाहिए और कौन क्या बोल रहा है उस वर्जन पे जाना चाहिए। बिल्कुल मैंने पेट्रोल की बात कही है। वहीं मंत्री उपेंद्र तिवारी के बाद अब बलिया जिले के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने भी विवादित बयान दिया है। उन्होंने सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की तुलना भैंस से कर दी। वहीं सुभाषपा और सपा के गठबंधन पर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। बीजेपी विधायक ने सपा सुभाषपा गठबंधन को चोर चोर मौसेरे भाई की संज्ञा दे दी है। दरअसल विधायक सुरेंद्र सिंह ने अपने आवास पर एक पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल पर यह कहा कि ओम प्रकाश राजभर की तुलना मैं भैंस से करता हूं। उन्होंने कहा कि हमने प्रयास किया था कि हम साथ रहकर उनके स्वभाव में सुधार लाएंगे, लेकिन यहां से निकलते ही वो फिर भैंसे की तरह गंदगी में चले गए। हम लोग प्रयास किए कि एक इस भैंसे को भी हम लोग एक इंसान बना ले, लेकिन भैंसे को इंसान बनाना प्रकृति के बस की बात नहीं है। वो प्रकृति प्रदत्त चीज है, वो भैंसा भैंसा ही रहेगा। तो जो पाक में ही आनंद पाया है वो कभी अच्छे जगह पर रहने का प्रयास नहीं करेगा, यही मैं कहूं। भैंसे को इंसान बनाना प्रकृति के बस की बात नहीं है। बाद में बात को संभालते हुए उन्होंने ओम प्रकाश का स्वभाव भैंसे जैसा कहा। निश्चित रूप से मैं संस्कार वही है, संस्कार वही है, भैंसा मतलब भैंसा थोड़ी होता है, स्वभाव उसका। तो निश्चित रूप से जो एक संस्कार है ओम प्रकाश राजभर को, बताइए पवित्र गंगाजल में नहा करके कोई पोखरे में स्नान करने जाए तो इसको क्या कहेंगे? अथवा कहता है कि हम जो है हम नहा रहे हैं समुद्र में। इतना ही नहीं, विधायक सुरेंद्र सिंह ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को औरंगजेब परंपरा का पोषक बताया। उन्होंने कहा कि जिस अखिलेश ने अपने पिता को हटाकर जबरन सत्ता पर कब्जा जमा लिया हो वो खुद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बेहतर कैसे बता सकता है।
विधायक ने कहा कि इस देश के नेता मोदी और योगी हैं और रहेंगे, उनके नेतृत्व में देश चहुमुखी विकास कर रहा है। समाजवादी पार्टी क्या है? एक सीमा के अंदर काम करने वाली पार्टी है, जो परिवार के अंदर, जाति के अंदर काम करने वाली पार्टी में जाकर के तुम पोखरा में नहा रहे हो। यहाँ समुद्र है, गंगाजल है, इस गंगाजल में तमाम नदियां मिलकर के एक सुंदर रूप धारण करती हैं, वो समाज है भारतीय जनता पार्टी। तो इसके संस्कार का दोष है, उसका दोष नहीं। बेटी खेत से लेकर सभी जगह सुरक्षित है। उन्होंने दावा किया कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास ध्यान से कर रही है। इसके अलावा ठंडे पड़ रहे किसान आंदोलन पर फिर से जान फूंकने में भाजपा के ये जनप्रतिनिधि बड़ी भूमिका निभाते भी दिख रहे हैं। पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वाली भाजपा का अपना जनप्रतिनिधियों पर कितना नियंत्रण है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जनवरी में गाजियाबाद के लोनी से पार्टी विधायक नंद किशोर गुर्जर के बिगड़े बोलों ने प्रदेश में खत्म होते किसान आंदोलन को एक बार फिर से नई हवा, नई ऑक्सीजन दे दी थी। तो थोड़े बहुत बरगला करके इनके साथ आए थे, आज भी जितने भी वहां बैठे हैं वो 100% आतंकवादी हैं, क्योंकि जो फर्जी जो किसानों के नेता बने थे वो मुंह छुपा के दुम दबा करके यहाँ से भाग चुके हैं कायर। आज उनको जरूरत है कि पुलिस उनको शूट करे। अगर वो नहीं भागते 24 घंटे के अंदर तो सरकार के सामने अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो मेरी विधानसभा और NCR के लोग एकदम तैयार हैं और हमारे समाज के लोग भी एकदम पूरी तरह तैयार हैं कि इनको जूते मार के खदेड़ने का काम करेंगे। वहीं जब फिर से किसानों का आंदोलन ठंडा पड़ने लगा था तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बयानबाजी तो हम सब जानते हैं और उनके बेटे की करतूत अब तो जग जाहिर हो गई है। पार्टी नेताओं का ये रवैया प्रदेश में मिशन 2022 की बिसात बिछाने में जुटी योगी आदित्यनाथ की सिरदर्दी साबित हो रही। वहीं सियासी जानकारों का मानना है कि सीतापुर से विधायक शशांक त्रिवेदी, बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह, मुगलसराय से विधायक साधना सिंह सहित अन्य सांसद और विधायक की भी जबान लगातार बेतुकी होती जा रही है, जिसका कारण समय समय पर सरकार और संगठन को भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी भी समय समय पर पत्र लिखकर किसानों के आंदोलन को सरकार के नाक का बाल साबित कर रहे हैं। वरुण गांधी ने सरकार व संगठन की लाइन से अलग हटकर बीते दिनों किसानों के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ डाले थे। यह लिस्ट यहीं खत्म नहीं हुई। ललितपुर में श्रम राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मुन्नू कोरी के भी बोल कई बार बिगड़ते हुए आपने और हमने देखे। चलिए उन्हीं में से एक वाक्य हम आपको बताते हैं। मौका था खाद के लिए परेशान हो रहे किसानों की समस्या सुनने का। मंत्री जी समस्या सुनते वक्त अपना आपा खो चुके थे, किसानों से नाराज हो चुके थे। इस दौरान मंत्री जी इतना नाराज हो गए कि उन्होंने किसानों को धमकी दे डाली। उन्होंने ये कहा कि चुनाव में वोट देना है, नहीं देना है तो मत देना। श्रम राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत की ये मधुर वाणी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो चुका है। मेरी भी सुन लो, हाँ। आपको वोट देना हो देना, नहीं देना हो नहीं देना। दरअसल ललितपुर जिले के जाखलौन थाना क्षेत्र में खाद खरीदने के लिए दो दिनों से दुकान की लाइन में खड़े एक किसान की शुक्रवार को मौत हो गई थी। मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मुन्नू कोरी नाराज किसानों के बीच समस्या सुनने पहुंचे थे, वहां किसानों की नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ी। मेरी भी सुन लो, हाँ। आपको वोट देना हो देना, नहीं देना हो नहीं देना। इसके बाद बात करते हैं बीजेपी के कद्दावर नेता और उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की। एक बयान उनका काफी सुर्खियों में है। दरअसल बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने वाराणसी से बजरडीहा में आयोजित वाल्मीकि महोत्सव के कार्यक्रम में ये कह दिया कि महिलाएं रात में थाने ना जाएं, सुबह भी अपने पति या पिता के साथ ही जाएं। वाराणसी में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बेबी रानी मौर्य ने कहा कि यूपी के थाने में एक महिला अधिकारी और सब इंस्पेक्टर जरूर बैठती है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी,
कि शाम 5 बजे अंधेरा हो जाने के बाद थाने कभी मत जाना, अगर जरूरी हो तो अगले दिन सुबह जाना और अपने साथ अपने भाई, अपने पिता या अपने पति को थाने जरूर लेकर जाना। एक महिला अधिकारी एक सब इंस्पेक्टर वहां बैठती है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, 5 बजे के बाद अंधेरा होने के बाद कभी थाने मत जाना, फिर अगले दिन सुबह जाना। जाओ तो अपने घर से किसी भाई को, अपने पति को या अपने पिता को साथ लेके जाना अगर जरूरी हो तो, लेकिन महिलाओं के लिए ये काम हुआ है। बहरहाल जिस तरह के हालात हैं उससे साफ है कि भैया नेताओं की अपनी जुबान अब कंट्रोल में नहीं है। जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उससे भाजपा को अपने ही नेताओं से खतरा हो सकता है। ऐसे में जरूरत है कि इन नेताओं की जुबान पर लगाम लगाई जाए, और अगर लगाम नहीं लगी तो आगे की लड़ाई बीजेपी के लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है, और बात समझ में रखते हैं और कभी नशा में नहीं रखते हैं। देखिए रेप की घटना है, रेप का नेचर होता है, लेकिन ऐसे को इंसान बनाना प्रकृति के बस की बात नहीं है। हमारे समाज के लोग भी एकदम पूरी तरह तैयार है, किंतु जूते मार के खदेड़ने का काम। 5 बजे के बाद अंधेरा होने के बाद कभी थाने मत जाना। प्राइम टीवी की इस खास जानकारी में बस इतना ही, और जानकारी के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।